अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? ठीक हो? हर खैरियत है। आज हम लेक्चर नंबर 5 और मॉड्यूल नंबर 5 रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमने कंट्रोल ऑफ रिस्क के बारे में पढ़ा था, जो कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल थी। तो आज लेक्चर नंबर 5 में हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड पढ़ रहे हैं। इसके की लर्निंग पॉइंट क्या होते हैं? व्हाट आर द कॉमन हैजर्ड्स एंड व्हाट यू डू अबाउट द कॉमन हैजर्ड्स। कॉमन हैजर्ड्स क्या होते हैं और जब हम उसको फाइंड करते हैं तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं या वो हमें किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्या है इसके, मतलब व्हाट आर द कॉमन हैजर्ड्स। कॉमन हैजर्ड्स क्या होते हैं? तो कॉमन हैजर्ड्स जो होते हैं, आपसे इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैजर्ड्स के कितने टाइप है, ये भी, और व्हाट आर द कॉमन हैजर्ड्स, ये कॉमन सवाल है। उसमें पहला हैजर्ड्स जो कॉमन हैजर्ड्स है उसको हम 6 ब्रॉड ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। पहला क्या होता है? मैकेनिकल, फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। ये 6 ब्रॉड ग्रुप्स है कॉमन हैजर्ड्स की। तो अब हम मैकेनिकल हैजर्ड पढ़ते हैं। मैकेनिकल हैजर्ड्स क्या है? मैकेनिकल हैजर्ड आर एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी अप्लाइड अ पावर मे बी मशीन जनरेटेड और ह्यूमन कटिंग, क्रैशिंग एंड शेयरिंग्स। मैकेनिकल हैजर्ड्स वो हैजर्ड होते हैं जो मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी से जनरेटेड होते हैं, यानी जब हम कोई पावर अप्लाई करते हैं मशीन पे या ह्यूमंस पे और उनसे कोई हैजर्ड जनरेटेड होती है, उसको हम मैकेनिकल हैजर्ड्स कहते हैं। दूसरा क्या होता है? फिजिकल हैजर्ड होता है। Those substances are conditioned that may harm a person physical safety, यानी electricity, vibration, poor housekeeping। वो condition और वो substance जिसकी वजह से persons को हार्म हो सकती है, यानी फिज़िकल सेफ्टी में। वो फिज़िकल सेफ्टी क्या होते हैं, यानी कौन सी कंडीशन होती है जिसकी वजह से पर्सन फिज़िकली हार्म होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकता है, वाइब्रेशन की वजह से और पोर हाउस कीपिंग की वजह से। थर्ड वन जो होता है वो केमिकल हैजर्ड्स होता है। केमिकल हैजर्ड्स क्या होता है? आर एसोसिएटेड आर हैजर्ड ड्यू टू देयर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ तो काज अ हार्म ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टीज़ एंड द इन्वायरमेंट, यानी पेन, डीजल्स वगैरह। केमिकल हैजर्ड्स क्या होते हैं? वो हैजर्ड्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की वजह से होते हैं। बाज़ दफ़ा हम साइट्स पे केमिकल यूज़ करते हैं और उस केमिकल से जो हैजर्ड्स ओरिजिनेट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल हैजर्ड्स होते हैं। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स क्या होते हैं? यानी जो बैक्टीरियाज़ की वजह से होते हैं। आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिक्स दैट्स अपोज अ थ्रेट्स टू बी हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी वायरस, फंगस एंड एक्स्ट्रा, यानी जो वायरस और बैक्टीरियाज की वजह से जो हैजर्ड्स ओरिजिनेट होते हैं, पैदा हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल हैजर्ड्स कहते हैं। इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स क्या होते हैं? आर द कंडीशन आर द स्टेट ऑफ इवेंट्स दैट हैव द पोटेंशियल टू इफेक्ट द इन्वायरमेंट एंड एडवर्सली इम्पेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, नाइस, पोरिंग एंड लाइट, पोअर लाइटिंग्स। क्या होते हैं? जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स होते हैं वो कंडीशन और वो स्टेट होता है जो पोटेंशली इफेक्टेड होता है इन्वायरमेंट पे, यानी क्या मतलब है उसका? जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ खराब हो जाती है। यानी अगर बहुत ज़्यादा शोर हो या आप काम कर रहे हो, वहाँ पे लाइटिंग की जो लक्सोमीटर की थ्रो, यानी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, तो ये ह्यूमन हेल्थ पे असरअंदाज होती है और ये इन्वायरमेंटल हैजर्ड में कंसीडर होता है। ऑर्गेनाइजेशन हैजर्ड आर एसोसिएटेड विद द बिहेवियर, वर्क लोड, टाइम एंड डेडलाइंस। क्या होता है? मतलब ऑर्गेनाइजेशन हैजर्ड जो होता है वो आपके बिहेवियर पे ताल्लुक़ होता है, आपके वर्क लोडेड टाइम पे होता है, यानी आपके अगर ऑफिसर्स की बिहेवियर सही हो तो क्या हो जाता है? काम भी अच्छे तरीके से होता है और हैजर्ड्स भी कम होते हैं। लेकिन अगर बिहेवियर सही नहीं है तो इसकी वजह से वर्कर जो होते हैं वो बहुत बुरा मानते हैं और काम को अच्छे तरीके से नहीं करते। इसी तरह आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड है, एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स है, एस्बेस्टोस है, बॉइलिंग है, केमिकल्स एंड ये सारे जो है यानी कंप्यूटर वर्कस्टेशन है, कन्फाइन स्पेस है, ड्रग्स, अल्कोहल्स, इलेक्ट्रिसिटी, फायर्स, गेटिंग इन एंड आउट, हाउसकीपिंग, लाइटिंग, मैनबल, नॉइस, प्लांट एंड मशीनरी, रेडिएशंस, स्लीप एंड ट्रिप्स, ट्रीज, ये सारा क्या होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड होता है। एग्रेशन, वायलेंस, चूँकि हमने ये सारा पढ़ लिया कि हैजर्ड्स क्या होते हैं और हैजर्ड्स के टाइप्स क्या होते हैं, तो अब हमने इन सारी चीज़ों को फार्मूलेट कर दिया है, पढ़ लिया है कि हैजर्ड्स जो होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल हैजर्ड होता है, बायोलॉजिकल हैजर्ड होता है, फिजिकल हैजर्ड होता है, केमिकल हैजर्ड होता है, इन्वायरमेंटल हैजर्ड होता है एंड ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड होता है। ये सारे हैजर्ड्स की टाइप्स होते हैं और आपसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन होता है कि हैजर्ड्स के टाइप्स आप मुझे बता दें, तो आपने ये बताने हैं और उनको इस तरह एक्सप्लेन करना है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है हैजर्ड्स के बारे में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, इंशाल्लाह मैं आपको उसका प्रॉपरली आंसर दे दूंगा। थैंक यू, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।